हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें आई थी उन बसों का क्या हुआ, ये बसें चल रही हैं या नहीं चल रही, या फिर इनका शुभारंभ कब से होने वाला है। स्टेशन परिसर में एक महीने से चलने का इंतजार कर रही बस नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ, नहीं फिटनेस जांच हुआ, इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम आज के इस वीडियो में गोरखपुर में जो इलेक्ट्रिक बसें आई थी उनके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या फिर उन बसों का क्या हुआ और वो बसें अब तक चलना शुरू हुई या फिर नहीं हुई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर पहुंची थी और इनका भव्यतापूर्वक स्वागत हुआ था। महानगर के लोगों को लगने लगा था कि महानगर के एक छोर से दूसरे छोर पर यात्रा करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी और जल्दी से जल्दी यह बसें शुरू हो जाएंगी जिनसे उनको काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन अभी तक इन बसों का ना ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है ना ही इनका फिटनेस जांच हो पाया है। 15 इलेक्ट्रिक बसें नौसर स्टेशन परिसर में चलने का इंतजार कर रही है और स्टेशन परिसर में अभी तक खड़ी हुई है। जानकारों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन विभाग की उदासीनता के बेच में फंस गया। परिवहन निगम ने दावा किया था कि 30 नवंबर 2021 तक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चार्जिंग पॉइंट की तैयारी न हो पाई है और न ही बसों के संचालन करने के लिए जो कार्यदायी संस्था बनाई गई थी वो भी उत्सुक लग रही है। साथ ही साथ परिवहन निगम और नगर निगम के तैयारियों को देखते हुए नहीं लग रहा कि नवंबर या फिर दिसंबर तक इन बसों का संचालन हो पाएगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एके मिश्रा का कहना है कि बसों का संचालन जल्दी शुरू हो जाएगा, लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो गोरखपुर से जो लंबी दूरी की बात तो छोड़िए, जो छोटी दूरी के लिए बसें चलती थी जैसे देवरिया, रुद्दलपुर, तमकुही, महाराजगंज और ठूठीबारी के लिए जितने भी लोकल रूट के लिए बसें चलती थी उनके भी संचालन में काफी दिक्कत आ रही है। सहायक क्षेत्र प्रबंधक एके मिश्रा के अनुसार लगन का सीजन चलने के कारण कुछ कर्मचारियों की छुट्टी चल रही है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रियों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो वहीं साथ में परिचालकों के अभाव के कारण स्टेशन परिसर में ही लोकल पर चलने वाली बसों के सारे टिकट बुक कर दिए जा रहे हैं ताकि बिना परिचालक के भी अधिक से अधिक बसों को संचालित किया जा सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या इस पर राय रखते हैं कि यह बसें कब तक स्टार्ट हो जाएंगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन प्रेस कर रखें ताकि इस तरह की लोकल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।